हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों लेकर आया हूं जिस मकान की साइज है हमारे पास 25 फीट बाई 35 फीट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी मकान की चौड़ाई की, जो कि हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक है वो हमारे पास है 25 फीट। 25 फीट हमारे पास मकान की चौड़ाई है, और जो हमारी मकान की लेंथ है यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक वो हमारे पास है 35 फीट। 35 फीट हमारे पास मकान की लंबाई है, तो 25 × 35 हमारे पास टोटल मकान का एरिया हो जाएगा। तो चलिए इसके सामने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारे पास आ रहा बरामदा, जिसकी हमारे पास साइज है 7 फीट बाई 13.5 फीट है। 7 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 13.5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा बरामदा है, तो यहाँ पर हम लोग आराम से बैठ सकते हैं। वरामदा के जैसे सामने हमारा घर का मेन डोर आ रहा है 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12.9 इंच। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12.9 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा लिविंग एरिया रहेगा। यहाँ पर हमारे सोफे वगैरह लग जाएंगे, और इस लिविंग एरिया के एक 4 फीट की विंडो सामने निकल रही है और एक 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। लिविंग एरिया के सीधा आगे चलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है डाइनिंग एरिया, जिसकी हमारे पास आ जाए 10 फीट बाई 11 फीट। 10 बाई 11 का हमारा डाइनिंग एरिया, जिसकी 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। यहाँ पर आराम से हमारी एक डाइनिंग टेबल लग जाएगी। डाइनिंग एरिया इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास है स्टेयर केस, यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। 3 फीट बाई 3 फीट का हमारे पास रहेगा स्टेयर केस का लैंडिंग। यहाँ पर आप चाहो तो स्टोर रूम वगैरह बना सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी जगह है तो यहाँ पर स्टोर रूम आपका अच्छे से बन जाएगा। स्टेयर केस के बाद में वापस बाहर आते हैं तो डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2.5 फीट का दरवाजा, कॉमन टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 7 फीट है। 5 बाई 7 का हमारा टॉयलेट है, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन यहाँ पर निकल रहा है। टॉयलेट से बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट 9 इंच। 10 बाई 12 फीट 9 इंच का हमारा बेडरूम है, जिसकी एक 4 फीट की विंडो यहाँ और एक 4 फीट की विंडो पीछे की तरफ निकल रही है। बेडरूम से बाहर आते हैं तो इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा किचन है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 10 फीट है। 10 बाई 10 का हमारा किचन है, जिसकी एक 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है और एक 4 फीट की विंडो पीछे की साइड निकल रही है। तो चलिए एक बार मैं आपको उसको एक साथ दिखाता हूँ। 25 फीट बाई 35 फीट हमारे पास मकान की साइज है। यहाँ पर हमारा फ्रंट के अंदर रहेगा बरामदा, बरामदा के जैसे सामने मेन डोर, मेन डोर से एंटर करते हैं लिविंग एरिया। यहाँ पर हमारे सोफे वगैरह लग जाएंगे। इस तरफ चलेंगे तो डाइनिंग एरिया, यहाँ पर हमारी डाइनिंग टेबल लग जाएगी। यहाँ पर हमारा स्टेयर केस है डुप्लेक्स स्टाइल के अंदर, कॉमन टॉयलेट है, बेडरूम है और किचन है, मतलब एक सिंगल फैमिली के लिए या ग्राउंड फ्लोर के अंदर अगर आपके पास साइज है 25 फीट बाई 35 फीट के अंदर तो आप मकान बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर आपको और बेडरूम की जरूरत है तो आप ऊपर बना सकते हो, ऊपर वैसे भी कंस्ट्रक्शन के अंदर कॉस्ट के अंदर थोड़ा सा कम पैसा लगता है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन आ रहा है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी नई नई डिज़ाइन की वीडियो लेकर आते रहे हाउस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।